हमीरपुर से है। हमीरपुर में साबुन से लदे ट्रक की चोरी का हुआ खुलासा। अपर पुलिस अधीक्षक ने किया मामले का खुलासा। ट्रक समेत साबुन की कीमत 62,55,000 रुपए, ट्रक के माल सहित 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पूरा मामला सुमेरपुर की फैक्ट्री का है और इसमें थाना सुमेरपुर अंतर्गत हिंदुस्तान लीवर की जो कंपनी है वहाँ श्री रमेश मिश्रा है जो बैंक ब्रांच मैनेजर है, ट्रांसपोर्ट इंडिया करके एक ट्रांसपोर्ट है, वहाँ से उन्होंने जो है उस फैक्ट्री से 1,915 गट्टे जिनकी कीमत लगभग 22,55,000 थी वो एक ट्रक में लोड कराया और जो ट्रक का चालक था और उसका हेल्पर था उसको ले जा करके उसे हाजीपुर बिहार में जो है डिलीवर करना था और ये ट्रक 15 अप्रैल को जो है लोड हुआ था और इसको अपलोड यानी इसको माल को डिलीवर जो है 19 तारीख को करना था। जब 19 तारीख तक ये ट्रक वहाँ नहीं पहुँचा तो इन्होंने अपने स्तर से खोज की और जब खोजबीन में उन्हें वो ट्रक और ट्रक के चालक का और माल का नहीं पता चला तो उन्होंने संबंधित थाना सुमेरपुर में संपर्क किया और इन्होंने अपनी तहरीर की जिसमें तत्काल जो है अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया। इसमें जब पुलिस ने छानबीन की और इसमें थाना सुमेरपुर के SHO ने बहुत अच्छा काम करते हुए अपनी टीम के सहयोग से इस पूरे गैंग को पकड़ लिया। इस गैंग ने फर्जीवाड़ा करके जो है ट्रक के गलत नंबर का प्रयोग करते हुए माल को लोड किया और इस माल को जहां डिलीवर होना था वहां डिलीवर ना करके इसको बेचने का प्रयास किया। इसमें जो दो मास्टरमाइंड थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। माल को बिछवाने में जो एक व्यक्ति शामिल था उसको जो है गिरफ्तार किया गया है, साथ में चालक को गिरफ्तार किया गया है। चालक के साथ एक व्यक्ति और था जिसकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें ट्रक जो बरामद किया गया है उसकी कीमत लगभग 40,00,000 रुपए है और माल जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 22,55,000 का जो पूरा माल था 100% जो है माल बरामद कर लिया गया है। आवश्यक लिखा पढ़ी करके अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। ट्रक मालिक भी इसमें शामिल था और ये पूरा एक गैंग प्रकाश में आया जो इस तरह की घटना इसने की है और हम लोग ये जानकारी की कर रहे हैं कि इसने और इस तरह की घटना और कहीं तो नहीं की। हमीरपुर से अजर हुसैन, टीपू की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।